बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1,000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व दीपावली आज मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बार दिवाली की खुशियां सेना के जवानों के साथ बांटेंगे। इस त्यौहार को मनाने के लिए पीएम मोदी नौशेरा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी हर बार की तरह इस बार भी जवानों के बीच पहुंचे हैं। 2019 के बाद पीएम मोदी दूसरी बार राजौरी पहुंचे हैं। 2 साल पहले भी उन्होंने यहां जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। पीएम मोदी ऐसे समय पर यहां पहुंचे हैं जब पूंछ में आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के पीएम मोदी के प्लान से निश्चित तौर पर जवानों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा बलों को खासा अलर्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं और उसके लिए हर साल वो अलग अलग सीमाई इलाकों में स्थित भारतीय सेना के बेस कैंप जाते हैं। दिवाली के दिन पीएम मोदी सैनिकों के साथ ही इस पर्व को सेलिब्रेट करते हैं और वक्त बिताते हैं। इस बीच दिवाली के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम मोदी ने सुबह ट्वीट किया कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 8वीं बार सरहद पर दिवाली मनाने पहुंचे हैं। इससे पहले वो 2014 में सियाचिन पहुंचे थे। यहां दिवाली मनाने के बाद वो श्रीनगर भी गए थे। 2017 में उन्होंने कश्मीर के बांदीपोरा में सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। 2019 में वो राजौरी की इन्फेंट्री डिवीजन गए थे जहां सेना के जवानों के साथ दिवाली की खुशियां बांटी थी। इसी तरह पीएम मोदी ने 2020 में राजस्थान के जैसलमेर में स्थित लोंगावाला बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इस बार नौशेरा में जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।